वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे हम पे बिंग ऋषि के बारे में। जैसे कि हमने बताया था कि इनके जो है डाइवोर्स की बातें हो रही है और डाइवोर्स लगभग हो रहा है। इससे पहले भी काफ़ी दिन हो गए, तब भी हमने बताया था कि भाई इनकी डाइवोर्स की बातें हो रही है। और उसके बाद में सब कुछ इन्होंने क्लियर किया था, मतलब कि बताया था कि हाँ भाई हम सेपरेट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सब कुछ सही कर लिया गया। और जिस वक्त इनके सब कुछ सही किया गया, उस वक्त इनके साथ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट था इनकी मम्मी पापा, इनकी बहन का। वो लोग चाहते थे कि हिमांशु दोबारा से घर आए, क्योंकि वो हिमांशु को बहुत प्यार करते हैं। स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि हिमांशु को घर में बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता था, ना कभी उनसे कोई काम करवाया जाता था, ना कभी किसी चीज़ का फाउंडेशन, ना कभी कुछ गलत उनको बोलना। काफ़ी अच्छी तरीके से उनको रखा जाता था, जो कि सबको दिखाई देता था। और ये भी दिखाई देता था कि हिमांशु को ऋषि और उनकी बहन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उस घर में। हर चीज़ में, हर फैसले में हिमांशु की राय ली जाती थी। फिर जब ये सब कुछ इनके बीच में हो रहा था, इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी जिस वक्त, जब पहले की तलाक की बातें हो रही थी। और जब फैमिली, जो इनकी बहन थी, वो तो इतनी ज़्यादा नाराज़ थी कि वो ऋषि को सोशल मीडिया पर ही सुना देती थी। बट धीरे धीरे सब कुछ सही हुआ और सबसे ज़्यादा खुशी जो थी वो उनकी फैमिली को ही उस वक्त में हुई। फैमिली बहुत खुश थी जब ये साथ में आए। लेकिन फिर दोबारा से कुछ टाइम बाद इन्होंने वीडियोस और व्लॉग्स बनाना छोड़ दिए। ऋषि अपना घर छोड़कर बाहर रहने लगे। लोगों को ये शक हुआ कि कुछ तो हो रहा है। ये बात थी जब उनकी, यानी कि जो हिमांशु उनकी बहन की शादी थी, उस वक्त से के बाद ही इनके बीच में प्रॉब्लम दोबारा से शुरू हो गई। देखिए, हस्बैंड भी वाइफ के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, इनका पर्सनल मैटर है, सब चीज़ें पर्सनल है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर आ चुका है तो पर्सनल चीज़ें नहीं रही है, इसलिए इस पर बात तो हो ही जानी चाहिए और बात होगी भी जब भाई सोशल मीडिया पर ये लोग ये चीज़ें बता रहे हैं। अब हुआ ये है कि जब ये चीज़ें हुई, उसके बाद हिमांशु और जो ऋषि हैं वो दोबारा से अलग हुए। पिछली बार जो चीज़ें आ रही थी उसमें कहीं भी पेरेंट्स का नाम वगैरह नहीं आया था। लेकिन अब काफ़ी दिनों से ऋषि वीडियो नहीं बना रहे थे, वो बहुत डिप्रेस लग रहे थे और सब चीज़ें लोगों को समझ में आ रही थी। लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाए थे। अचानक से देखते हैं कि भाई हिमांशु के चैनल से इनकी सब वीडियोज़ डिलीट हो जाती हैं और इंस्टाग्राम से सब हट जाता है, सब कुछ हो जाता है, सेम ऋषि के साथ में भी। तो ये तो शक सभी को था कि दोबारा से इनका कोई पंगा हुआ है। पहले जब इनका पंगा हुआ था, उस वक्त बिंग ऋषि चैनल खुला था और लोगों को लगा कि भाई ऋषि का चैनल चलाने के लिए ये सब चीज़ें हुई हैं। बट दोनों अच्छा खासा कमा रहे थे अपने चैनल से भी, बट वो है कि वो लोग साथ आ गए तो लोगों को लगा नाटक है। लेकिन ये अगर आप अपने घर में भी देखें, आस पड़ोस में देखें, ये चीज़ें होती रहती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स होती रहती है, एक नॉर्मल चीज़ है। अब ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद हुआ ये कि दोबारा से इनका पंगा हुआ है और इस बार जो पंगा हुआ है वो बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है। बिंग ऋषि चैनल पर ऋषि ने एक वीडियो डाली है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ ना तो ऋषि को घसीटा गया है, उनके पेरेंट्स को भी इस चीज़ में घसीट लिया गया है। यानी कि जो चीज़ें चल रही है उसमें जो नाम आया है इनके पेरेंट्स का भी आया है। जहाँ तक ऋषि की बातों का अगर यकीन करें और ध्यान से आपने सुनी होगी तो वो ये चीज़ें साफ लग रही है कि भाई इनके फैमिली में जो प्रॉब्लम हुई है अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि डाइवोर्स तक बात आ गई है और शायद केस भी चल रहा है। और जो केस चल रहा है उसमें ऋषि और इनकी मम्मी और इनके पापा का सबका नाम दिया गया है, एलिगेशंस उन पर लगाए जा रहा है, जिससे ऋषि काफ़ी ज़्यादा नाराज है। ना सिर्फ वो नाराज दिख रहा है बल्कि वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहा है। और ये नॉर्मल सी बात है, जब अपने पेरेंट्स किसी लड़की को इतना सपोर्ट करे और वो अचानक से ऐसे एलिगेशंस लगा दे तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि इतना ज़्यादा हर्ट होना उनके लिए जायज़ है। अब जिन्होंने इनके ब्लॉग्स देखे हैं, शुरू से देखे हैं, वो ये चीज़ें समझ सकते हैं कि भाई इनके पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो हिंट मिल ही जाता है इंसान के बिहेवियर से, लेकिन जो भी इनके ब्लॉग देखता है वो ये समझ सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पेरेंट्स ने हमेशा इनको सपोर्ट किया। अगर कहे पैसे की बात तो वो ऑलरेडी काफ़ी रिच थे, जब इनकी हिमांशु से शादी हुई तो उनको इनके पैसे का कुछ ऐसा नहीं था कि भाई इनका अलग से आ रहा है या कुछ हो रहा है, हम फेमस होना चाहते हैं। और
जो इंसान जिस तरह कोई किसी का प्रमोशन कर सकता है, लेकिन कोई फेमस होता है वो अपनी क्वालिटी के ऊपर होता है। जहाँ हिमांशी को प्यार करने वाले हैं, जैसे ही हिमांशी की शादी हुई, हिमांशी और ऋषि को प्यार करने वाले भी बहुत से लोग हुए, और सिर्फ ऋषि को प्यार करने वाले भी बहुत से लोग हो गए। तो ये चीज़ें कहना गलत होगा कि जो ऋषि हैं वो सिर्फ हिमांशी की वजह से जाने जाते हैं या कुछ भी है। नहीं, उनकी अपनी खुद की एक अलग पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और सच मानिए, ब्लॉगिंग जो है उनकी, जो हिमांशी है, वो ऋषि की वजह से और उनकी फैमिली की वजह से ही चलती है। और कभी भी ब्लॉगिंग जो चीज़ होगी वो परिवार में होती है तो ही चलती है। सिंगल ब्लॉगिंग अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि कई बार जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने जो उनको दायित्व मिले हुए हैं या उनको कानूनी अधिकार मिले हुए हैं या अधिकार मिले हुए हैं, उनको गलत फ़ायदा उठा लेती है, गलत यूज़ कर लेती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बट हम अभी भी ये उम्मीद रखेंगे कि थोड़ी सी भगवान सद्बुद्धि दे, थोड़ा सा एडजस्ट करे और इन दोनों के बीच में दोबारा से सही हो जाए। लेकिन बात वही है कि गांठ एक रिश्ते में जब बार बार पड़ जाती है तो वो बुरे ही लगने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कब तक इंसान इन चीज़ों से सर्वाइव करेगा, कब तक इन चीज़ों को झेलेगा। तो बहुत सारी यहाँ चीज़ें आती है। खैर, जो भी हैं हम तो दुआ ही कर सकते हैं, जो भी हो इन दोनों के फायदे के लिए हो और फैमिली पर कुछ भी गलत इल्ज़ाम ना लगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।